नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। अंतरिक्ष में ग्रहों का राशियों में प्रवेश एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत अब राहु मेष राशि को छोड़कर 30 अक्टूबर को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु का यह परिवर्तन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कई तरह के फल लेकर आएगा, जो सेहत के मामले में आपको सचेत भी कर रहा है। आइए जानते हैं राहु का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। राहु के मीन राशि में पहुंचने से वृश्चिक राशि वाले लोगों को बुद्धि का विकास होगा। मानसिक रूप से बहुत ही संतुलित रहना होगा, क्योंकि कोई विवाद आपको परेशान कर सकता है। राहु का बदलाव आपको भ्रमित कर सकता है। किसी एक मामले में निर्णय लेने के लिए आपके पास कई विकल्प आएंगे, जिनमें से कोई एक चुनने से आप भ्रमित हो सकते हैं। इस दौरान आपके सलाहकार आपके लिए अहम भूमिका निभाएंगे। देश विदेश जाने की योजना आपकी आप संभल कर चलना होगा। आपको व्यापार करने वाले लोगों को आर्थिक मामलों में संबंधित निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी। आपकी ज़रा सी जल्दबाजी आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। विद्यार्थी और बच्चों को अपने आचरण और संगत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों को कुछ नई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में नई चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन उनका दिमाग तेज होगा। वह जो एक बार पढ़ लेंगे उस पाठ को अच्छे से याद भी कर लेंगे। इसका फ़ायदा उन्हें अपनी शिक्षा में देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बिल्कुल अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ तनाव में से बचना चाहिए। संतान की बिगड़ी संगत को सुधारने का प्रयास करें। संतान को समय देकर उसे करियर संवारने के लिए मोटिवेट करें। आप स्वयं से बड़े निर्णय लेने में सक्षम होंगे। निर्णय का आगे चलकर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। यह समय आपको किसी प्रकार की नशे या गलत आदतों से गिरफ्त में भी ले सकता है। पेट और लीवर का ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं भी सेहत को लेकर सजग रहें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।